हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, एग्जाम के टाइम पर छात्रों में तनाव होना आजकल स्वाभाविक हो गया है, चाहे वह बोर्ड की परीक्षाएं हो या फिर कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ज़्यादातर छात्र परीक्षा को अपने जीवन में सब कुछ समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह एग्ज़ाम ही अब उनके लिए सब कुछ है। यही वजह है कि परीक्षा का तनाव उन पर हावी हो जाता है। कई बार परीक्षा के तनाव में छात्र डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। यही वजह है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है और जब रिजल्ट आता है तो नंबर उनके मन मुताबिक नहीं आते हैं। दोस्तों, फिर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एग्जाम के समय में तनाव को कैसे दूर रखें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, एग्जाम के टाइम पर कोई भी छात्र तनाव से कैसे दूर रह सकता है। तो चलिए अब अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं समय से एग्जाम की तैयारी करें। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बोर्ड हो या फिर किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप समय से तैयारी करें। समय से तैयारी मतलब अगर आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरे साल पढ़ाई करना पड़ेगा, या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी दिन से तैयारी करना शुरू कर दें जब आप यह सोच रहे हैं कि आपको किस फील्ड में नौकरी करना है। जैसे अगर आपको लगता है कि आप SSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ का इंतजार न करें कि फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म भरने के बाद तैयारी कर ली जाएगी। तो यह बिल्कुल गलत तरीका है। आप पहले ही एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दें। इसके बाद जानते हैं, एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर करें। दोस्तों, एक बात और ध्यान रहे कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप भले ही पूरे साल पढ़ाई की हो, लेकिन एग्जाम से पहले उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और लास्ट में रिवीजन करना भूल जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसे आप भूल जाते हैं और जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वही सवाल आते हैं जो आप भूल गए होते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एग्जाम से पहले एक दो दिन पहले या तो एक रात पहले भी रिवीजन जरूर करें। इससे यह होगा कि आप कुछ भूल गए होंगे तो वह रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं, एग्जाम के समय डिस्ट्रैक्ट ना हो। दोस्तों, स्टूडेंट के लिए एकाग्र होना बहुत जरूरी है, मतलब कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के टाइम पर स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिससे वह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, लैपटॉप। दोस्तों, यह सब चीज़ एक सही वक्त में अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन आज के समय ऐसा देखा जा रहा है कि स्टूडेंट सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल में बिजी रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी होगी। तो जब भी आप तैयारी करने बैठें, जब भी आप पढ़ाई करने बैठें, तो कोशिश करें कि अपने मोबाइल को खुद से दूर रखें। ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ाई करें जहां कोई शोर शराबा ना हो रहा हो। दोस्तों, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ओसवाल की ये बुक SSC, बैंकिंग, मैनेजमेंट इंट्रेंस, रेलवे, लॉ, डिफेंस एटसेट्रा के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज आदि विषयों को बुक में बताया गया है। बुक की क्वालिटी अच्छी है, इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं, अपने टीचर से बात करें। दोस्तों, स्टूडेंट चाहे कितना भी ब्रिलियंट हो, उन्हें एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट चाहे कितने भी स्मार्ट हो, उन्हें सब कुछ याद हो, यह जरूरी नहीं। और यह भी एक वजह है कि एग्जाम के समय तनाव में हो जाते हैं, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो उनकी समझ में ही नहीं आते हैं। ऐसे टाइम पर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी टॉपिक पर पढ़ने में दिक्कत हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक अपने टीचर से बात करें। ऐसा करने से जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है वह तो आप समझेंगे ही, साथ ही नहीं समझने की वजह से जो आपको स्ट्रेस हो रहा है वह भी दूर हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं, खुद की तुलना किसी और से न करें। दोस्तों, स्टूडेंट की एक और जो सबसे बड़ी कमी होती है वह होता है अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना। दोस्तों, एक बात याद रहे कि हर स्टूडेंट एक जैसे हों यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं। कई बार देखा गया है कि कोई स्टूडेंट दूसरे से खुद की तुलना करते हैं, वह पढ़ने में काफ़ी तेज़ हैं, उन्हें सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं तो उनके नंबर अच्छे आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे ने इतना नंबर अच्छा लाया तो मुझे भी उतना ही नंबर लाना है या उससे ज़्यादा नंबर लाना है। दोस्तों, किसी से भी कंपेयर करना स्टूडेंट के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। ऐसा करके स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लेते हैं और मानसिक तनाव होने पर ना तो तैयारी कर पाते हैं और ना ही उनके रिजल्ट बेहतर आ पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।